हेलो एवरीवन, नमस्कार। परीक्षा प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, UPSSSC ने अभी अभी एक नई वैकेंसी जारी की है, उसकी विज्ञप्ति UPSSSC की साइट पर आ चुकी है। यह विज्ञप्ति जो इसने नाम दिया है वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक नाम से यह नई विज्ञप्ति आई है और इसमें आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। कुल पद 655 आए हैं और इसमें दो तरीके के पद है, एक आपका वन रक्षक का है, दूसरा वन्य जीव रक्षक का है। उम्र की सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की है, यानी उम्र सीमा में काफी ज्यादा छूट दी गई है। वहीं इसमें अगर हम बात करें कि कब से ये चालू है वैकेंसी, आज ही इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है UPSSSC के द्वारा। और दूसरी चीज, इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ हो चुका है, 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इसमें जो आपकी अंतिम तिथि है, यानी सबसे लास्ट जो आपका मौका है आपको फॉर्म भरने के लिए, वो आप बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्योंकि 8 अगस्त आपकी अंतिम डेट है जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और आवेदन में संशोधन की जो आपकी तिथि है वो 16 अगस्त तक है। तो ये तो डिटेल हो गई कि कब से ये वैकेंसी प्रारंभ है और कब से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चूंकि ये वैकेंसी आपकी वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की है, तो इसमें दो स्टेज में एग्जाम होने हैं। पहला स्टेज आपका रिटेन का होगा, दूसरा स्टेज आपका फिजिकल का होना है, यानी आपको फिजिकली फिट जो है फिट होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर इसमें और कुछ चीजें देखें कि वैकेंसी कितनी कितनी किस्में है, तो देखिए जो वन जीव रक्षक है आपका, जो वन पहला वैकेंसी जो वन रक्षक की है, फॉरेस्ट गार्ड जिसको आप जानते हैं, इसमें 1 जुलाई 2019 से उम्र की आपकी काउंटिंग शुरू होगी। 1 जुलाई 2019 को वो व्यक्ति न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र उसकी 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में उसकी उम्र आयु सीमा होनी चाहिए। अगर अनारक्षित पद की संख्या देखें तो 370 पद आपके अनारक्षित हैं वनरक्षक के, और वहीं अनुसूचित जाति के अगर पद देखें तो 83 सीटें ऐसी बनाई गई हैं जो अनुसूचित जाति के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या 11 है और वहीं ओबीसी के लिए 132 पद है। यानी कुल पद जो वनरक्षक में आ रहे हैं, ये टोटल 596 है। 596 पद वनरक्षक में, फॉरेस्ट गार्ड में है। और वहीं दूसरी जो कैटेगरी है इसमें जॉब की, वो आपकी है वन्य जीव रक्षक की। इसमें भी उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष थी। इसमें कुल जो पद हैं ये आपके 59 सीटें हैं, 45 इसमें अनारक्षित के लिए हैं। वहीं जो आपकी अनुसूचित जाति है उसके लिए 10 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या 2 है और 2 पद इसमें ओबीसी के लिए रखे गए, यानी कुल 59 है। तो 59 इसकी और 596 इसकी वनरक्षक की, दोनों मिला के 655 सीटें आई हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण है। वही चीज अन्य देखें, वनरक्षक में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, यानी उनके आगे वंशज है, उनके लिए 11 पद रिजर्व किए गए हैं। महिलाओं के लिए 119 सीटें, यानी लड़कियों के लिए खासकर इसमें जो है 119 सीटें फिक्स की गई हैं। आपकी 655 सीटों पर में से उनकी 119 सीटें रहेंगी। सैन्य वियोजित यानी भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, इनके लिए 29 सीटें रिजर्व की गई हैं वनरक्षक में। वहीं वन्यजीव रक्षक में देखें तो स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी है इनके आश्रितों को 1 सीट, महिलाओं के लिए 11 सीट और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 2 सीट है। ठीक है, इसमें एक चीज उसने खासतौर पर दोस्तों लिखा है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग जो है अवर अधीन जो वनरक्षक एवं वन्यजीव रक्षक की सेवा नियम अभी तक नियमावली थी 2015 की थी, ठीक है, उसी के हिसाब से तीन भर्ती में, भाग तीन में भर्ती रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको इस बार आहार्य नहीं माना है। यानी विकलांग के लिए, चूंकि अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सब कुछ चाहिए, तो वो इसके लिए पात्र नहीं माने गए हैं। वहीं अगली अगर हम बात करें, इसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को भी दिया गया है। बाद में उसकी विज्ञप्ति आएगी, उसके माध्यम से बताया जाएगा कितनी परसेंट सीटें इसमें फिक्स की जा रही हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके जो है आहरी पाए जाएंगे। वही चीज अधिमानी अर्हता, मान लीजिए तीन लोगों के नंबर सेम हो जाते हैं, इस दशा में अधिमानी अर्हता होती है वो ये है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम अगर आप 2 वर्ष की सेवा किए हैं, अगर आपके पास एनसीसी का भी ग्रेड सर्टिफिकेट है, और तीसरी चीज अगर केंद्रीय या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। चौथी जो इसने वरीयता के तौर पर शामिल किया है, वो अगर आपने किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, यानी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, तो आप इसमें शैक्षिक जो है जो आपकी अर्हता है उसमें अधिमानी अर्हता के तौर पर आएंगे। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ और चीजें हैं।
कि ये जो परीक्षा होनी है इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, जो आपका स्टेज टू होगा, इसमें ऊंचाई जो मांगा है सामान्य जाति या अनुसूचित, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति है, यानी सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों के लिए जो हाइट मांगा है इसने पुरुषों के लिए, वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की 160 सेंटीमीटर मांगा है। सीना अगर देखें पुरुषों की, तो सामान्य और जो आपके अन्य पिछड़े वर्ग हैं अनुसूचित जाति, इनके लिए न्यूनतम 84 सेंटीमीटर सीना आपका सीना मांगा है और 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव भी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए फुलाने पर सीमा आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि उसमें क्या लिखा है, जो आपका सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, इनके बिना आपके जो है फुलाने पर सीमा आपका सीना जो है ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, जब आप फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी आपका 79 से लेकर 84 तक रहेगा। वही महिलाओं की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका मांगा है ऊंचाई, जो सामान्य से है या अन्य पिछड़ा वर्ग से है या अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर न्यूनतम मांगा है। और वही अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगा है और सभी का वजन 45 किलोग्राम से लेकर 58 किलोग्राम तक मांगा है। आगे हम बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। इसकी चयन की प्रक्रिया उसने खास तौर पर दे रखा है कि चार चरण है। पहला चरण जो आपका है ये लिखित परीक्षा का है, लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानक परीक्षा है, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट आपका है। यानी चार टेस्ट इसमें कुल आयोजित किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो लोग परीक्षा में पास होंगे यानी रिटेन में पास होंगे, उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा में घोषित किया जाएगा। मानक परीक्षा में आपके जो है उस विभाग के वन प्रभाग के प्रभागीय निदेशक और ये सारे लोग होते हैं। उसके बाद मैंने हाइट और इन सब की आपसे बात कर ली है, तो दोस्तों एक बार बहुत अच्छा मौका आपके पास फिर से UPSSSC लेकर आया है, यानी 655 सीटें हैं। चूंकि इसमें हाइट भी है, आपका वेट भी है और चेस्ट मेजरमेंट भी है, मेडिकल भी है, इसलिए इसमें कंपटीशन आपका धीरे धीरे घटता चला जाता है। यानी जो लोग फिजिकली फिट है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका आ चुका है। आप लगातार हमारे चैनल में इससे आगे के प्रोग्राम के लिए जुड़ते रहें, कमेंट के माध्यम से जो कुछ पूछना चाह रहे हैं इस वैकेंसी के माध्यम से वो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी आपको चाहिए आप इस चैनल से हमारे इसके बाद सारी चीजें इंफॉर्मेशन पाते रहेंगे। कोई भी जिज्ञासा आपकी है तो चैनल में नीचे वीडियो में कमेंट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।